Hey guys, this is Nida Kareem and today I will show you my anti-acne skincare routine. और ये बहुत ही simplified skincare routine है. I have been suffering from acne from the past 1 year, उससे भी ज़्यादा हो गया, almost 2 years. एंड पहले मेरे इतने बुरे acne थे. मैं अपनी acne की picture जो है at the end of this video दिखाऊँगी, so stay tuned for that. And I was suffering from hormonal adult acne. Teenage में तो मुझे मेरी बिल्कुल clear skin थी. Due to hormonal issues, I am suffering from acne. लेकिन for the past 6-7 months, my skin has improved a lot. I have come a very very long way in my skincare routine. अब मुझे पता चल गया कि मेरी skin को क्या suit करता है. So now let's come to the video. I am using Plum Illuminescence Makeup Removal Balm. Double cleansing is very crucial to prevent acne. I have washed my face using COS IQ AHA cleanser. इसमें alpha hydroxy acids हैं, like glycolic acid. So if you are a beginner, do not use AHA and tretinoin in the same skincare routine. It is not good for your skin. अगर आप start कर रहे हो, but if you are pro like me, then you can use it in the same routine. Then I'm using Sandala Asiatica Toner. ये from One Thing है. One Thing is a very good Korean brand. ये सिर्फ ingredient based toners बनाता है and serums बनाता है, like एक इसमें niacinamide toner है. And this Sandala Asiatica is really good to calm down your skin. अगर आपको बहुत ज़्यादा acne हो गए हैं and redness हो रही है, अगर उसे calm down करना है, then you should use Sandala. उसके बाद आई एम यूजिंग स्नेल म्यूसिन फ्रॉम कॉस आर एक्स. कॉस आर एक्स इज़ अगेन एन कोरियन ब्रांड एंड इट हैज़ स्नेल म्यूसिन. स्नेल म्यूसिन इज़ रियली गुड टू सिंथेसाइज कॉलेजन एंड फॉर एंटी एजिंग बेनिफिट्स. नाउ आई एम यूजिंग मल्टी पेप्टाइड सीरम फ्रॉम मिनिमलिस्ट. पेप्टाइड इज़ बेसिकली प्रोटीन फॉर योर स्किन. नाउ मैं अपने फेस को मसाज करूँगी अच्छे से. जब भी आप स्किन केयर कर रहे हो, डू मेक श्योर कि आप अच्छे से मसाज करो ताकि प्रोडक्ट्स जो है डीप विद इन द स्किन चले जाए. नाउ दिस इज़ द हीरो इन्ग्रीडियंट ऑफ दिस वीडियो, ट्रेटिनोइन 0.05%. इससे कम वाला जो परसेंटेज होता है थोड़ा माइल्ड होता है, 0.025. दैट इज़ वेरी गुड फॉर बिगनर्स. अगर आप बिगनर हो, देन डोंट जस्ट जम्प ऑन टू अ वेरी हाई परसेंटेज. इट विल रियली इरीटेट योर स्किन एंड इवन मेक द एक्ने मोर वर्स. सो जस्ट अ पी साइज अमाउंट एंड डॉटेड ऑल ओवर योर फेस. एंड देन आई एम यूजिंग एवी का. ये इंडियन फार्मेसी प्रोडक्ट है, आपको किसी भी फार्मेसी मिल जाएगा. ओट मील मॉइस्चराइजर है. इट इज़ अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजर एंड इट इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, ऑल स्किन टाइप्स. एंड इट इज़ नॉन कॉमेडोजेनिक, वेरी सूटेबल फॉर एक्ने प्रोन स्किन. सो आई एम रबिंग इट, वॉर्मिंग इट अप ऑन माई हैंड्स एंड देन जस्ट अब्जॉर्बिंग इट ऑन माई फेस एंड नेक. डू नॉट फॉरगेट योर नेक. कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, नेक पे तो आप ज़रूर ही लगाओ एंड ऑन योर हैंड्स टू, बिकॉज योर नेक एंड योर हैंड्स एज फास्टर देन योर फेस. अगर आपने बोटॉक्स से इंजेक्शन फिलर्स वगैरह फेस पे लिए हुए हैं, तब आपकी एज जो है नेक से पता चल जाती है. सो मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन योर नेक, देन फिनिशिंग इट ऑफ विद अ रोज हिप ऑयल. ये ऑर्गेनिक तत्व का रोज हिप ऑयल है. ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था एंड इट इज़ अ वेरी हैवी ऑर्गेनिक, रियली ऑर्गेनिक रोज हिप ऑयल. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक्ने प्रोन स्किन पर ऑयल क्यों लगा रही हूँ, बिकॉज अगर आप अपने स्किन को बिल्कुल ड्राई छोड़ देते हो, देन योर स्किन फील्स लाइक इट नीड्स मोर हाइड्रेशन. सो इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग ऑयल. ऑयल जब स्किन प्रोड्यूस करता है तो इट ट्रिगर्स एक्ने. सो अगर आप अपनी स्किन को ऑयल दे रहे हो, प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन दे रहे हो, देन इट विल नॉट ट्रिगर. इट विल स्टे रिलैक्स्ड एंड काम एंड प्यारी प्यारी रहेगी. Now I will show you the photograph. ये फेब 16th की photograph है एंड यू कैन सी मेरे कितने acne, कितनी redness हो रही है. This routine has helped me a lot and I wish that it helps you too. So this was it for the video. Bye bye and good night.